What is up guys, आदर्श here। तो आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं हमारे डेविल जिन के बारे में, क्योंकि ये भाई साहब कल फाइनली कल ये हम लोग का बैनर आने वाला है, जहाँ पर हम लोग डेविल जिन, हम लोग का हॉरर क्लासिक और नीना विलियम्स क्लासिक का हम लोग वापस समन कर पाएंगे। तो देखो हम लोग पास कल क्या आने वाले हैं, डेविल जिन, हॉरर और नीना विलियम्स, एज सिंपल एज दैट। मगर उसके साथ साथ क्या हम लोग पास जो बैटल कार्ड इवेंट आने वाले हैं, हम लोग जो कार्ड बैनर आने वाला है, यहाँ पर हम लोग के पास सिर्फ एक नया स्पेशल कार्ड आने वाला है, समझ रहे हो। ये दोनों कार्ड्स आप लोग पहले वाले बैनर से पा चुके हो, अगर नहीं पाओ तो आपके सिलेक्टर के पास पहुंच चुके हो। आप लोग के पास इन दोनों से एक कार्ड का ही ज़रूरत है, तो आप लोग इस कार्ड को भी वहां से कलेक्ट कर सकते हो। और हम लोग थोड़ा और नीचे आए तो हम लोग पास सेम वही सेट कार्ड हम लोग वापस देखने को मिल रहा है, और सेम ऑप्शन कार्ड भी हम लोग को वही देखने के लिए मिल रहा है। मतलब आप लोगों के पास सिर्फ एक ही रीज़न है इस बैनर समन करने के लिए, कि आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ डेविल जो है स्पेशल कार्ड चाहिए। और अगर आप लोग सेट कंप्लीट कर चुके हो, ऑप्शन कार्ड ऑलरेडी पा चुके हो, और अगर आप लोग शुरू में ही डेविल जो कार्ड मिल जाता है, तो आप लोग पास और कोई रीज़न नहीं है आगे बढ़ने के लिए। मगर फिर अगर आपको और भी कार्ड्स कलेक्ट करने हैं, आप लोग भाई मन है कि नहीं मैं बस बहुत रूबीज़ हैं, तेरे ऐसे लक खराब नहीं है हम लोग का, तो आप लोग समन कर सकते हो, जो हमको भी अच्छा लगा कि भाई लोगों को मिल रहा करके, ठीक है। मगर अगर आपके रूबीज़ का कमी है तो हम यही बोलेंगे सिर्फ इस एक कार्ड पर भेजाओ, क्योंकि हमको लगता है कि ऑलरेडी आप लोग बैनर वन वाले में हम लोग का जो कार्ड बैनर था वहाँ पर आप लोग बहुत रुपीज खर्चा कर चुके होंगे, तो हो सकता है आपके मल्टीपल सिलेक्टर्स हो या फिर कम से कम एक ही सिलेक्टर हो, और आप लोगों को इन दोनों में से या फिर इस सेट कार्ड में से या फिर इन ऑप्शन कार्ड में से कोई एक ही कार्ड की जरूरत पड़े। तो हाँ, ये भी एक चीज़ होगी जो आप लोगों को बताना चाहते थे कार्ड बैनर को लेकर। और हाँ, हम कल करेंगे समन मगर एक ही कंडीशन पर, ठीक है। पूरा एक बार सिलेक्टर हो जाएंगे एट द वेरी लीस्ट, मगर सिर्फ एक ही कंडीशन पे, अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे तब, ठीक है। ये तो चीज दिखाते हैं आप लोगों को कि आप लोगों में से 50% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, क्यों भाई क्यों। हम इतना पास पहुंच गए हैं, अगर वीडियो देखो तो सब्सक्राइब मारो, हम प्लीज बोल रहे, ठीक है प्लीज कर दो। तो हम लोग गेम वापस आते हैं, देखो हम लोग इधर उधर भटक जाते हैं, थोड़ा जज्बात में आ जाते हैं, तो इसलिए सब्सक्राइब कर दो। आप लोगों को क्या लगा हम क्या बोलेंगे, खैर छोड़ो, ये तो हम लोग एक चीज़ हो गया। तो हाँ, ये आप लोग पास हम बताना चाहते थे, मगर एक चीज़ यहाँ पर हम लोग को दो पोस्ट क्यों दिखाई है, दोनों में सेम ही है क्या, एक बार देख लेते हैं। फिलहाल तो सेम ही दिख रहा है, अभी भी सेम दिख रहा है, सेम ही तो है। और हाँ, एक तो छोटा चीज़ कि अगर आप लोग अपने फेस कैरेक्टर्स या फिर आप लोग जो गोल्ड बॉर्डर कैरेक्टर्स हैं उनका मेमोरीज अगर आप कॉम्बाइन करते हो, तो अब आप लोग हॉरर क्लासिक का भी मेमोरी वहाँ से पा सकते हो। देन यू हैव अ चांस टू गेट SS एलिसा एंड SS हॉरर। और हम किस मेमोरी कॉम्बिनेशन करने की बात बोल रहे हैं, तो आप लोग फाइटर में आना है, और यहाँ पर हम लोग का मेमोरी जाना है। तो जैसे भी हम लोग को अलीसा मेमोरी मिल सकता है, तो आप लोग हम करके दिखाते हैं। तो हम लोग कॉम्बाइन करेंगे यहाँ, और यहाँ हम लोग रेड गोल्डन में टच कर देंगे, और हम लोग थोड़ा चलो 30 मेमोरी कॉम्बाइन कर देंगे हम लोग। तो रॉबर्ट का अपग्रेड किए हैं क्या, पता नहीं, थोड़ा सा नीचे आते हैं। हाँ, नल्ले कोई जरूरत नहीं है, वो नल्ले को हटाओ, और इसका मेमोरी छोड़ो, रॉबर्ट को कौन से इसको लेकर भी खेलने वाले हैं, तो इसको हटा दो पूरा। और हाइडन को भी तो लेकर नहीं खेलेंगे हम, और मेमोरीज तो हाँ, ये बाओ फाव को भी लेकर नहीं खेलने वाले, और तीन मेमोरीज तो हम यहाँ चलो रियो को लगा देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ हमारे कॉम्बाइन, तो देर आर चांसेस कि आप लोगों को ऐसे कॉम्बाइन करने से अब हॉरर के मेमोरीज मिल जाएंगे। और ऑब्वियस बात है, जब हॉरर हम लोग ग्रीन एलिमेंट है, तो आप लोग ग्रीन एलिमेंट के मेमोरीज को कॉम्बाइन करना रहेगा, और जैसे एलिसा हम लोग रेड एलिमेंट, तो हम लोग को रेड करना पड़ेगा, और हमको वहां से भी मेमोरी नहीं मिला, ठीक है कोई बात नहीं। बात देखो, हम भली बोले कोई बात नहीं, मगर हमको अब बहुत ईगो हर्ट हो रहा है, क्योंकि हम इतना समय से रूबी सेव करके रखे थे कि भाई कोलैब आएगा, कैरेक्टर को एकदम मैक्स आउट कर देंगे, और उसके बाद आप लोगों को जबरदस्त कैरेक्टर ब्रेकडाउन और रिव्यू वाले वीडियो सब देंगे, मगर क्यों। और हाँ, अब देखो हम लोग इतना दूर आ ही गए हैं, तो फाइनली अब हम जाकर नीला विलियम्स को पूरी तरह अवेकन करने वाले हैं, और कैसे करेंगे, बिना उसकी एक भी मेमोरीज के इस्तेमाल करते हुए। आप लोग यहाँ तीन मेमोरीज दिखाई दे रहे होंगे, मगर हम घंटा इनका इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, क्योंकि देखो हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर हम लोग का जो डिमेंशन इन्विटेशन टिकट है इसका। अब आप बोले भाई मेमोरीज से अवेकन करने क्या मतलब है, क्या दिक्कत है उसमें से, हम लोग ऐसे कर रहे हैं। जैसे कि पहले बताया कि देखो इसके मेमोरीज जो हैं, इनका इस्तेमाल आप लोग बहुत सारी चीज़ों में अलग अलग कर सकते हो,
ठीक है, जैसे कि आप लोग बोले क्या, तो आप लोग चाहो तो हम लोग का चेंजअप किट इसका पा सकते हो वहाँ से इसी की मेमोरीज का इस्तेमाल करते हुए। और उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग इसी की मेमोरीज का इस्तेमाल करते हो हॉरैंग या फिर अलीसा की मेमोरी पा सकते हो। अब देखो कुछ लोग अगर नहीं वीडियो देखे मेरा पहले का, तो हम उनको आप लोगों को अभी दिखा देते हैं यहाँ पर कि आप लोग अगर यहाँ पर आते हो क्राफ्ट इवेंट में, तो यहाँ पर आप लोग नीना के तीन मेमोरी का इस्तेमाल करके एक अलीसा या फिर एक हॉरैंग मेमोरी पा सकते हो। तो मेरे पास तीन है, और या फिर तीन नीना की मेमोरीज का इस्तेमाल करके आप लोग वहाँ पर जाकर, आप लोग समझ गए, नीना का चेंजअप किट पा सकते हो। मगर हमको नहीं लगता, जैसे मैं लग चल रहा हूँ हमको नीना की मेमोरी भर भर के मिलने वाला, तो इसलिए हम इसको डिमेंशियल इन्विटेशन टिकट से अपग्रेड कर देंगे। और अगर आप लोगों की समझ नहीं कर पाए बहुत ज़्यादा, और आप लोगों के पास ऐसे डिमेंशियल इन्विटेशन टिकट हैं, तो आप लोग इसका इस्तेमाल करते हुए भी नीना को अपग्रेड कर सकते हो। और देखो अब जो लोग शायद गेम में नहीं आए होंगे या फिर जिन्हें नहीं पता, आप लोग ये इन्विटेशन टिकट कहाँ से पाओगे, आप लोगों को सिंपली आना है, अरे भाई बाहर निकल यहाँ से, डायमेंशन एक्सचेंज में, फेस में, और यहाँ पे आपके जिस कैरेक्टर का एक्सेस मेमोरी है या फिर आप किसी कैरेक्टर को ऑलरेडी A5 कर चुके हो, आप लोग उसकी मेमोरी की जरूरत नहीं है, जैसे कि हमको क्लोन जीरो मेमोरी की जरूरत नहीं है, तो हम इसको मार देंगे यहाँ पे कॉम्बाइन, काम खत्म। और उसके बाद हम मार देंगे फिर कॉम्बाइन क्योंकि हमको 4 स्टार तक लेकर जाना है, तो इसको मारेंगे ओके, और यहाँ भी काम खत्म। और हम लोग आते हैं वापस फाइटर्स में, फिर हम लोग यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम लोग ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, एज सिंपल एज दैट। और यहाँ नीना को हम अच्छा खासा अपग्रेड कर चुके हैं, और हाँ देर आर वेरी हाई चांसेस कि हम नीना को चेंजअप कर देंगे। अब आप लोग बोलेंगे भाई क्यों, क्योंकि देखो ये हम लोग पर्पल अटैक कैरेक्टर है, और मेरा पर्पल एलिमेंट थोड़ा सा वीक है, ठीक है। आप लोग दिखाते हैं मेरा पर्पल एलिमेंट में क्या है मेरे पास, तो यस मेरे पास यही गरीब कैरेक्टर्स हैं। एक सेकेंड, और रुचि नहीं दिखाई दे रहे यहाँ पर, और रुचि कहाँ गया भाई, नेमलेस में नहीं दिखाई दे रहा है। ओह अच्छा, हम तो यहाँ सॉर्ट करके रखे हुए हैं, तो हम लोग वापस से बस सॉर्टिंग कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मेरे पास ले देखिए यही कैरेक्टर जिनमें एक थोड़ा नेमलेस थोड़ा अच्छा है, और ओरोची कहाँ गया हूँ, हाँ और एक ओरोची थोड़ा बढ़िया है, और बाकी बहुत अच्छे कैरेक्टर्स हैं जैसे कि हम लोग का क्रोनेन हो गया, आकुमा हो गया, फिर और फिलहाल हमको नहीं दिख रहा है कोई, हाँ BS0 हो गया, बाइकेन हो गई, मगर ये सब मेरे अपग्रेडेड नहीं है, तो इसी कारण से हम नहीं बोलते मेरा पर्पल एलिमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो हाँ देर आर वेरी हाई चांसेस कि हम यहाँ नीना को अपग्रेड करेंगे। और अगर आप लोग भी सोचते हो किसी कैरेक्टर को अपग्रेड करने के लिए, तो हम बोलें कि नीना कैन बी ए गुड चॉइस, वो अलग बात है, उसके ऊपर अभी तक वीडियो नहीं बनाए क्योंकि हम इसको अभी खुद अपग्रेड किए हैं। तो अगर आप लोग नीना के ऊपर वीडियो देखना है, आपको नीचे कमेंट जरूर बताना, नहीं तो हम बना ही देंगे, ठीक है। और हाँ, तो गाइस यही इन्फॉर्मेशन था मेरे पास आपके लिए, तो अगर आप लोग वीडियो को एंजॉय करें तो लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब मारो, और हाँ मारो सब्सक्राइब, हम रुके हुए थे इसी चीज़ के लिए, मार दिए ना, वेरी गुड। तो फिर गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय। मगर एक सेकेंड, हमको एक सच बात बताना कि आप लोग में से किसको लगा था कि हाँ वो ड्रीम मैच वाला वीडियो ही आज एक तो आने वाला, हम और कोई वीडियो नहीं बनाने वाले हैं, नहीं सच बताना हमको, मतलब भाई हम बस देख रहे, हमको जानना है कि भाई आप लोग सही में ऐसा लगा क्या कि भाई ये तो वीडियो आ गया, अब और वीडियो नहीं आने वाला है। और हाँ चलो अब हम भी फाइनली यहाँ पर अपना लिंक शेयर कर देते हैं, तो हम लोग को एटलीस्ट थोड़ा वॉल्यूम 1 का समर करने के लिए कुछ टिकट्स और मिल जाएंगे, वो अलग बात है, हमको कुछ मिल नहीं रहा है, सच बोल रहे हैं, हमको बहुत अच्छा नहीं लग रहा था बोलते हुए, मगर हाँ चीज़ वही है। सुपर इंटेंस बैटल यहाँ लिख देते हैं, सुपर इंटेंस बातर यूजिंग टेकन 7 कैरेक्टर, यस सुपर इंटेंस बैटल यूजिंग टेकन 7 कैरेक्टर्स। और यहाँ पर हम जैसा ऑलरेडी आप लोग दिखा रहे थे, आप लोग लिंक कैसे शेयर करना है, तो हम वापस दिखा देते हैं, तो ये रहे मेरा वीडियो का लिंक, हम यहाँ मारेंगे प्रीव्यू, तो होपफुली हम लोग को मेरा थंबनेल दिखा देगा, यस तो इसको मारते सबमिट। और हाँ ये जो आप लोग वीडियो देखे, हाँ इसको करो सेव, ये वीडियो में हम पहली बार इन कैरेक्टर्स को लेके खेल रहे थे, तो हाँ हो सकता है इसी कारण से आप लोग लग रहा हो कि भाई ये तो इतना बेकार है, इससे अच्छा तो हम खेल देंगे, तो हाँ हो सकता है आप लोग खेल सकते हो, ठीक है। तो हाँ तो गाइस फिर मिलते हैं वीडियो में, थैंक यू सो मच वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।